स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेवन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। सेवन चैप्टर में है ट्राइंगल्स। हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स देखना है, ट्राइंगल में कॉन्ग्रेसी देखना है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, उसके लिए पहले आपको ट्राइंगल्स के करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स पहचानने होंगे। सपोज आपके पास दो ट्राइंगल्स गिवन में है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो ट्राइंगल में आप जानते हैं थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। करिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, तो बाई में हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी और ट्राइंगल बी ई डी ई एफ की साइड डी ई। ए बी साइड और डी ई साइड करिस्पॉन्डिंग होंगी। सो साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज करिस्पॉन्डिंग टू साइड बी ई ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल एंड साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज करिस्पॉन्डिंग टू साइड ई एफ ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। सिमिलरली साइड ए सी इज करिस्पॉन्डिंग टू साइड डी ई एफ। अब आप एंगल में आ जाए तो एंगल ए इज करिस्पॉन्डिंग टू एंगल डी, एंगल बी इज करिस्पॉन्डिंग टू एंगल ई एंड एंगल सी इज करिस्पॉन्डिंग टू एंगल। तो ये हुए करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स। किसी साइड्स की करिस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में कौन सी होगी और किसी एंगल का करिस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल में कौन सा होगा, आप उसके नाम से ही करेंगे। फिगर तो रोटेट हो सकते हैं, हो सकता है इसका ओरिएंटेशन जिस तरह से है डी का रिवर्स हो जाए ओरिएंटेशन, तो फिगर से आप नहीं पहचान सकते करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स, आपको नाम से ही देखना होगा। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक एक पार्ट इक्वल, एक एक करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। टू ट्राइंगल्स सपोज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इफ फर्स्ट कंडीशन देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मीन्स साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी ई। सिंगल मार्क कर लेते हैं, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई एफ एंड साइड ए सी इज इक्वल टू साइड डी एफ। सेकेंड कंडीशन है करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। भाई नेम देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। तो दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस में कुल मिला के आपको छह पार्ट्स इक्वल दिखाने हैं। इसकी तीन साइड्स, इसके तीन साइड्स के इक्वल दिखानी है, करिस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के इक्वल, और इसके तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल्स के इक्वल दिखाने हैं आपको। By definition, six elements match करने होंगे। And be right, अगर triangle congruent हो जाते हैं उनको क्या लिखेंगे? If triangle ABC and triangle DEF are congruent, then we write it triangle ABC is congruent, इस सिंबल ऑफ congruent का triangle DEF। अब हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया का मतलब आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सिक्स एलिमेंट्स मैच नहीं करने पड़ेंगे, थ्री एलिमेंट्स में से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहली क्राइटेरिया आपके पास है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। यहां देखें एंगल मीडियन में लिखा हुआ है, आप इसको ए एस एस नहीं लिख सकते और एस एस ए नहीं लिख सकते। ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, दो साइड है बीच का एंगल है। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। दो साइड्स आपकी इक्वल होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा। सपोज इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर गिवन एंड in these triangles AB equal to DE, AB or DE equal ho, AC side AC equal to side DF,
तो इंक्लूडेड एंगल इस ट्राइंगल में क्या हो गया, इक्वल साइड्स का इंक्लूडेड एंगल एंगल ए, देन एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी फॉर एस ए एस क्राइटेरिया। या जरूरी नहीं कि ए बी और ए सी साइड भी डी ई और डी एफ के इक्वल हो सकता है इसमें ए बी और डी ई का पेयर मिल रहा हो इक्वल और दूसरे में बी सी और ई एफ का मिल रहा हो, तो उस केस में फिर एंगल ए और एंगल डी नहीं बल्कि एंगल बी और एंगल ई इक्वल होनी चाहिए। तो कोई भी दो करिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, लेकिन एंगल फिर एंगल के लिए हम फ्री नहीं है, कोई भी एंगल दिखा लें, हम इंक्लूडेड एंगल ही दिखाएंगे, इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तब यस ए एस कांग्रुएंस क्राइटेरिया और उस कांग्रुएंस क्राइटेरिया से ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपकी ए एस ए कांग्रुएंस क्राइटेरिया और ए एस ए कांग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड, बीच की साइड, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे आर टू करिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड साइड। एंगल तो कोई भी दो ले लेंगे, सपोज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, this angle B is equal to angle E, and angle C suppose जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा angle F। अब यहाँ sides के लिए free नहीं है, अगर angle B और C angle E और F के equal ले रहे हैं, included angle आप included side आपको AB और DE होना चाहिए and AB equal to बी सी और ई एफ होना चाहिए, बी सी इक्वल टू ई एफ। आप एंगल बी और सी दिखा रहे हैं इसके इक्वल, इस ट्राइंगल के एंगल ई और एफ के इक्वल, तो आपको साइड बी सी और ई एफ चाहिए, देन ट्राइंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये क्राइटेरिया आपकी ए एस ए कांग्रुएंस क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया ए ए एस कांग्रुएंस क्राइटेरिया। आपको पता है किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑलरेडी इक्वल होगा, इस तरह से आपके पास ए एस कांग्रुएंस क्राइटेरिया भी हो जाती है। यहाँ दो एंगल हैं और साइड इंक्लूडेड साइड नहीं है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे आर टू करिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वन ऑफ द करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सपोज triangle ABC and triangle DEF are given, and in this triangle angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E। अब अगर AB और DE side equal मिलेंगी तब तो वो ASA congruence criteria हो जाएगी। अब आपके पास sides के लिए दो choices बचती हैं, either BC equal to EF और AC equal to DE। अगर AB और DE इक्वल नहीं दी हुई है, AB और DE दी होंगी तब तो ये ASA congruence criteria है। अगर अदर साइड्स दी हैं, BC और EF दिया हुआ है इक्वल, या AC और DF दिया हुआ, सपोज BC और EF दिया है, इस केस में AAS congruence criteria होगी और AAS congruence criteria से दोनों ट्राइंगल congruent हो जाएंगे। तो ये आपकी ASA congruence criteria। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर आपको दिया है, इसमें बोल दिया है AC एंड AD आर इक्वल एंड AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB, दिस होल एंगल इज एंगल एंड AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल मींस दिस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAB। तो आप गिवन लिस्ट करेंगे, given in examining figure AC equal to BD, ये equal mark भी कर लिया, AB is the bisector of angle A, इसको आप ये भी लिख सकते हैं angle BAC equal to angle BAC। To prove करना है आपको triangle ABC is congruent to triangle ABD, और आगे ये भी पूछा है what about in sides BC and AD, तो congruency के बाद देखेंगे। तो देखिए proof में आते हैं, proof जो ट्राइंगल आप मैच करना चाह रहे हैं उसको लिख चलिए, न्यू ट्राइंगल ए बी सी
एंड ट्राइंगल ए बी डी, दोनों ट्राइंगल में मैच करें, देखें क्या आता है, क्या इक्वल मिलते हैं। तो पहले तो ए सी और बी डी गिवन में इक्वल है, ए सी और बी डी, ए सी और ए बी करिस्पॉन्डिंग साइड है, ए सी और ए बी करिस्पॉन्डिंग साइड गिवन में इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए बी, रीजन लिखेंगे करिस्पॉन्ड गिवन। नेक्स्ट, एक साइड दोनों ट्राइंगल्स में आपके हैं ए बी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी, तो इसको आप लिखेंगे, इसको लिस्ट करेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ये सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी, रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। दूसरा हो गया, अब थर्ड एलिमेंट आपको ढूंढना है, तो ये एंगल दिया हुआ है, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मीन्स एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी गिवन में रहेगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी गिवन। अब पहचाने कौन सी क्राइटेरिया इसमें लग गई, तो पहले ट्राइंगल में ए सी और ए बी साइड हमने लिया है और बीच का एंगल बी ए सी, और दूसरे ट्राइंगल में फिर ए सी और ए बी साइड हमने दिखाया है, ए सी ए डी और ए बी साइड दिखाया, ए डी साइड और ए बी साइड, और बीच का एंगल बी ए डी, तो यहाँ भी बीच का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, तो क्राइटेरिया हो जाएगी एस ए एस। सो बाय एस ए एस कांग्रुएंस रूल और कांग्रुएंस क्राइटेरिया, सो बाय एस ए एस कांग्रुएंस criteria, triangle ABC is congruent to triangle ABD. तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, क्राइटेरिया एस ए एस। इसमें और पूछा है व्हाट अबाउट दी साइड्स BC एंड AD, देखिए BC और AD, ए सी एंड ए डी, ए सी और ए डी, तो सी पी सी टी से ए सी और ए डी इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में आपको ये फिगर दिया हुआ है, इन गिवन फिगर ए डी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है, एंगल डी ए बी, डी ए बी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए ये पूरा एंगल, एंड वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, साइड बी डी इज इक्वल टू साइड ए सी, एंड एंगल बी ए बी, ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। प्रूफ में आए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी मैच करें, क्या क्या इक्वल है, ए तो बी डी और ए सी, सॉरी ए डी और बी सी, दिस साइड एंड दिस साइड, देखें करिस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं, ए डी बी सी करिस्पॉन्डिंग साइड है, ए सी इक्वल टू बी डी, रीजन गिवन, एक साइड यहां भी कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में देखें ए बी और यहां बी ए, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन साइड, एक एंगल दिया हुआ है, पहले वाले ट्राइंगल का एंगल ए दिया है, एंगल डी ए बी, और दूसरे वाले ट्राइंगल का बी ए सी का एंगल ये बी वाला दिया हुआ है, एंगल सी बी ए, पहले का ए एंगल दूसरे का बी एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी गिवन है, तो यहां भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल मिल रहा है, सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए। सेकंड और थर्ड के लिए
एडी और बीसी, बीडी और एसी दिखाना है। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं उनके पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसको हम बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं? सीपीसीटी, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए हैं, इनके पार्ट्स इक्वल होंगे, तो एडी और बीडी और एसी पर देखें, बीडी और एसी करिस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो यहां लिख दें बीडी इक्वल टू एसी, और रीजन में डाल दें सीपीसीटी। सिमिलरली सेकंड वाला, थर्ड वाला ट्राइंगल एबीडी, यानी पहले ट्राइंगल का ये बी वाला एंगल, पहले ट्राइंगल का बी वाला एंगल बीस का है, और डीएसी दूसरे ट्राइंगल का ए वाला एंगल, देखें दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, रीजन सीपीसीटी। इस तरह से आपके दो क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उनका सोल्यूशन देंगे।